ये मेरा पहला पोहा है दोस्तों। इंदु को देख रहे दोस्तों, ये हम जा रहे हैं। दोस्तों तो मम्मी के साथ में जा रहे घास काटने के लिए, मम्मी चला रही है घास काटने के लिए। पानी भी पड़ रहा है और बोल रही है घास काटने चलो, मेरी माँ को तो क्या बोले दोस्तों। ज्योति जाएगी गुड्डू, छाता पकड़ लेंगे दोस्तों, नहीं तो पानी पड़ेगा जोर जोर से। चल खाड़े वाला बुरा हो गया दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं घास काटने के लिए। और देखिए ये धान लगा हुआ है, कितना मस्त लग रहा है ना। इधर उधर भी देखिए, मतलब पूरा धान लग जाता ना तो और अच्छा लगता। उतरो उतरो, नहीं तो गिरेगी हिंदू। दोस्तों तो देख सकते हैं कुकड़ी मुटका लो भाई, तीन मुटका। लो ले ले, बैठ 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 बैठ, तो जा जो तो घुसो तो अंदर। इंडो को देख रहे कैसे वो लोग कहाँ कहाँ घुस गए, ये पकड़ा चिमटी है पैर वाले, जा बैठ के बैठ के उठाना था। रुको तो पकड़ेंगे तब ना, कैसा जगह में घुसे हैं। नीचे जाएंगे मम्मी की, बाहर निकलियो निकलियो बाहर है। यहाँ यहाँ डाला डाल डाल, देख रहे पूरा झाड़ी है कैसे। अरे चप्पल उधर छोड़ रखी ना, तो इधर से उतरेंगे कि इधर से उतरे नहीं जाते, गिरेंगे नहीं। छत वाले चला, छत वाले चला, रास्ता इतना डेंजर है ना दोस्तों। चप्पल वगैरह लाभ देखे इधर, मम्मी और देख रही है डंडा ले लेके। हाँ तो जाती नहीं बढ़िया में, एक पटंग मिला रे। कुकड़ी लेके घर आ गई हूँ और देखिए कितना सारा कुकड़ी, बड़ा बड़ा है पूरा ही। वो धान खेत लगा हुआ था ना, उसका ऊपर में था मस्त।
घास काटने के लिए गए थे, लेकिन घास भी नहीं काटे, पानी पड़ रहा थोड़ा सा, तो थोड़ा देर में जाते हैं दोस्तों। घास काटेंगे मतलब अभी नहीं काटेंगे, पानी पड़ रहा तो कैसे जाएंगे, थोड़ा देर में जाएंगे। और लाइट आ रहा है और जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि लाइट को रो क्या रहा है हम लोग का। हाँ तो मकई पकाने बोली थी दोस्तों, तो देखिए चूल्हा में डाल दिए, इसमें ये भी नहीं है अंगूर भी नहीं है ना, ऐसे डाल दिए। लेकिन ये वाला मकई ना खाने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कभी ऐसा आग में जैसे थोड़ा थोड़ा अंगूर रहेगा उसमें डालिएगा ना इसको और खाइएगा, कभी बहुत मजा आएगा। देख रहे कितना मस्त है, ना जला है ना कुछ नहीं। देखिए ज्योति भी खा रही है इधर, अब धूप भी किया है और पानी भी पड़ रहा है, देख रही थोड़ा थोड़ा। कैसा जो मौसम है उसका समझ में नहीं आता ये मौसम का घोड़ा को देख रहे दोस्तों, पूरा इस मतलब पूरा गिर गया है। और यहाँ चिड़िया सब भी बहुत ज़्यादा आता है खाने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे एक जन को रुकना पड़ता है देखने के लिए। और इधर मम्मी और इंदु काट रही है घास, घास दिख में नहीं कर रहा है, कहाँ काटेंगे ये छोटा छोटा का। इंदुमती मम्मी उधर भी काट रही है, लोग घास काट के जा रहे हैं, मम्मी ढो के जा रही है, मम्मी नहीं सकेंगे इसलिए। अभी हम लोग को आना है यहाँ पे, इंदु आएगी ना रे, बहुत ज़्यादा चिड़िया सब उतरता है यहाँ पे खाने के लिए धान को। पानी पड़ रहा है और नमी तपका रही है मकई, कुकड़े धोए के लाए नहीं गो। और इंदु इधर, ओ नहीं आधा ना, और इंदु इधर मकई बिछा रही है, उधर कुकड़ी रखा हुआ है और यहाँ पे चावल फूलने के लिए दिए हुए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मकई को फुलाए हैं। और मैं इधर मकई को पका रही हूँ, हल्ला जल रहा है पता नहीं, थोड़ा सा ना ठीक लगती है। अभी इस मौसम में हम लोग का बनेगा गर्मा गर्म खुखड़ी का चरपा, मजा आएगा। अभी क्योंकि बरसात हो और कुछ पकावन ना बने मजा नहीं आता है, इसलिए पापा लेके आया है। मम्मी फोन करके बोली थी पापा को, इसलिए पापा इतना सारा मकई लेके आया है। देना मम्मी चाहता है पकाने के लिए, काहे को पकाए ना गए, तभी जल्दी से इसको बनाएंगे। थोड़ा सा पीस के रखी हूँ दोस्तों। नमिता पका रही थी चूल्हा में, मेरा देखा देखी भी आई है, देख रही पूरा सरंडा उरंडा लेके आई का का हिस गई छुआ, देख रहा आधा पकाया हुआ फुर फुर आग फूक फूक के इतना मतलब ना पानी पड़ा है ना तो आग ही नहीं जल रहा हम लोग को, पता फूक फूक के फूक फूक के बेचारी तभी से पका रही नहीं पता है। तो आइए वहां पे और मेरा थोड़ा सा पकाया हुआ पकाई, उसके बाद फिर मैं पकाऊंगी इंडक्शन में। अच्छा लगा, मतलब पहले टेस्ट कर रही थी, टेस्ट लगे ये माँ जूता पिता जल्दी पका, मेरा पका दो। नमिता को बोल रही पकाने के लिए का तुम तभी से फुर फुर कर रहे, फुर भी नहीं करना पड़ रहा। इसको पकूरेंगे, पकूरा कर दो पकूरा, बाय। पूरा वाला रोटी बनाएंगे दोस्तों। देखिए इसको मैं पूरा कर ली हूँ, इसमें नमक और खुखड़ी डाली हूँ और पत्ता को चारों तरफ से इसको बंद कर दिया। अब इसको यू ये टूट रहा है, इसको अच्छा से बंद करेंगे नहीं तो इसमें पता है। अब हमारे हाथ ला रहे थे किसके साथ है।
कैसे बनता है पुला, कल खा रहे थे मम्मी उधर चरपा बना रही है, और इसका हम लोग बनाएंगे दूसरे टाइप में, इसको फ्राई करेंगे हम लोग। तो इसमें सिलोट से पीस लिए हम लोग चुन्नी को, अरवा चावल का चुन्नी, और इधर खुकड़ी अभी पकी रहा है, पकेगा फिर खुकड़ी भी डालेंगे इसमें। तो इसको पहले खुकड़ी बना के दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं बना अभी भी बहुत ज़्यादा पानी है, पानी सा खत्म होगा उसके बाद फिर खुकड़ी भुजा चुका है देख सकते हैं आप लोग। तो इसको मैं डालूंगी इसमें, जो चावल और मकई का यहाँ पेस्ट किए हैं ना उसी में डालेंगे। बस नहीं डालो सब्जी नहीं पका रही। हाँ ये सब्जी बनाने के लिए इसको, नहीं सब्जी खाने के लिए इसको रखेंगे। इंदु ट्रेनिंग ले रही है दोस्तों चरपा बनाने का, इंदु सीख गई। हाँ सीख गई कैसे की थी अरे बार का। ये है देसी पिज्जा ना इंदु, और मेरा इधर गरम हो रहा है शायद, हो गया होगा, इधर मैं घोल के रख ली हूँ, थोड़ा सा और गर्म होने दे लेती हूँ दोस्तों, उसके बाद फिर बनाएंगे। दोस्तों हम लोग का लाइट चल गया, पता नहीं कैसे अभी इंदु पकाएगी, इंदु का खत्म होगा उसके बाद फिर बनाएंगे, क्योंकि हम लोग का चूल्हा भी नहीं जाना पता है बस आपका। दोस्तों वेट कर रही हूँ इंदु का पक जाएगा उसके बाद फिर बनाएंगे। वाह इंदु तेरा पिज्जा तो हार्ड लग रहा है भाई, देखो खुकड़ी वगैरह पूरा निकला निकला लग रहा है। खा नहीं तो मारेंगे तो बस। ये मेरा पहला पुआ है दोस्तों, क्या बना है ये मेरा खुकड़ी और मकई और चुनी और हल्दी मसाला थोड़ा थोड़ा मिक्स की हूँ स्वाद के लिए, और प्याज और मिर्च और लहसुन अगर हम लोग गाँव देहात में रसोई होते हैं वही मिक्स किए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा बन गया है, इसमें छोटी इलायची बनाने वाली है और कितना दे रही है। लाइट भी चल गया दोस्तों, देख रहे पानी भी पड़ रहा है, पी 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 अयो लटक गया नहीं तुम्हें, उसको निकालो। हाँ भैया निकाल कर देखो, एक मिनट कैसे देखिए दोस्तों कितना अच्छा पक के रेडी हो गया है, देख सकते हैं अंदर ही पक गया है। वाओ चक देंगे, ए बा मेरी कैमरामैन बोल रही है चखेंगे। अरे देखिए दोस्तों कैसा लगा था इंदू
लाइट भी नहीं है ना तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को ना, नहीं तो आराम से जल्दी पक जाता। मम्मी बोल रही है तुम लोग अपने हिसाब से बना रही है तो अपने हिसाब से बना, वो तो अपना हिसाब से बनाई, मेरी दादी लोग पहले वैसी बनाती थी। और पानी कितना पड़ रहा है जो तो पता है, बहुत ज्यादा पानी पड़ रहा है पूरा, टुपुक 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 दिखाया भी नहीं दे रहा पानी कैसे दे रहा, इतना दे रहा है। अरे ये तो खखड़ा उखड़ा जैसा बन रहा है, इंदू दो दो को नहीं देना पड़ेगा, एक एक ही गो पकड़ ले रहा है यहाँ पे, गोल ही नहीं बन रहा, पता नहीं ऐसा क्या होता है, ऐसे बन जाता है गोल गोल पूरा अच्छा सा, लेकिन शायद आप लोग के सामने नहीं बन रहा, देख रहे दोस्तों हम लोग इतना सा रोटी बना लिए हैं और भी बनाना बाकी है, तो इसी तरह से ऐसे बना लेंगे। और हम लोग का रोटी ना मतलब सिलोट में पीसे थे, इसका वजह से मतलब पूरा अच्छा से नहीं पिसाया था, नहीं चिट्टा नहीं हुआ, महीन नहीं हुआ था, तो इसीलिए पकड़ नहीं रहा है, क्योंकि मकई का भी है ना, मकई भी उतना पतला नहीं है, मतलब नहीं पिसाया था, थोड़ा थोड़ा उसमें उसका जो छिलकरा था वो था, और ऊपर से खुखड़ी है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। खाने में काफ़ी मज़ा आया दोस्तों, इसी तरह से सबको पका लेंगे दोस्तों। और आज का ब्लॉग मैं यहीं तक एंड करती हूं दोस्तों, आप लोगों को ब्लॉग पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर कोई नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।